प्यारे हिंदी भाषी 135 करोड़ हिंदुस्तानी, मैं अंग्रेजी में ज्यादा बातें करता हूँ और विश्व शांति मेरा जीवन का लक्ष्य है। मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य है, मैं रहूँ न रहूँ ये विश्व रहना चाहिए, ये विश्व के जीव जंतु पशु पक्षी और मनुष्य खुशहाल रहे, क्योंकि मैं एक योगी हूँ और मेरा नाम है योगी वीरेंद्र योगी। और योग विद्या का ही मतलब है जुड़ना शरीर से, सबल नियंत्रित अनुशासित मस्तिष्क, और जब एक ज्ञानवान बुद्धिवान बलवान सर्वशक्तिमान राम कृष्ण बुद्ध और विवेकानंद के शारीरिक और बौद्धिक शक्ति से मैं प्रेरित होता हूँ, तो केवल शांति और प्रेम की ही भाषा बोलता हूँ, लेकिन अकेला चना भार नहीं फोड़ता, अकेला मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं सीखा हूँ अपने दोस्त रविन्द्रनाथ टैगोर से, यदि तोर डाक सुने क्यों ना से तबे एकला चलो रे, तबे एकला चलो एकला चलो एकला चलो एकला चलो रे, तबे एकला चलो एकला चलो एकला चलो एकला चलो रे, यदि तोर डाक सुने क्यों ना से तबे एकला चलो रे। प्यारे दोस्तों, कहना आसान है, हमारे दोस्त गौतम सिद्धार्थ बुद्ध भी अकेला चले थे। शांति प्रेम अहिंसा का जाप जपते जपते स्वर्ग को सुधार गए, मृत्यु रूप को प्राप्त हुए। मेरा प्यारा दोस्त मोहन चांद करमदास गांधी सत्य न्याय प्रेम शांति अहिंसा के लिए दुनिया को प्रेरित किया, लेकिन दुनिया अभी भी जल रहा है, तड़प रहा है, काम क्रोध मद लोभ मोह ईर्ष्या इतना जकड़ लिया है, जंजीरों में बांध दिया है कि मानवता त्राही त्राही कर रही है। अपनी मातृभूमि भारत में इतने अशिक्षित इतने स्वार्थी दानव और दुष्ट हैं कि देश को टुकड़े टुकड़े कर देना चाहते हैं। दिन रात अशांति, दिन रात लड़ाई झगड़े, दिन रात गवर्नमेंट के खिलाफ साजिश, कोई भी ऐसा कार्य जो नरेंद्र मोदी जी का गवर्नमेंट किया हो, क्या कभी भी विपक्ष और जो गजबे हिंद की बात करते हैं, टुकड़े टुकड़े की बात करते हैं, कभी भी समर्थन में आया? बहुत सारे ऐसे कार्य हो रहे हैं और ऐसे अद्भुत ऐतिहासिक ऐसे कदम उठाए गए हैं जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। 370A, 35A, राम जन्मभूमि का विवाद, तलाक 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 का विवाद, असंख्य ऐसी घटनाएं घटी हैं जो कि कोई सोच भी नहीं सकता था। ऐसे साहसिक कदम उठाया है नरेंद्र दामोदर भाई मोदी, मेरा जिगरी दोस्त, और मैं तो अपने दिमाग से दुनिया को देखता हूँ। मैं तो बुद्ध हूँ, मैं तो विवेकानंद हूँ, मेरी बुद्धि बिल्कुल प्रज्वलित है, सूर्य की रश्मियों से पूर्ण है, मैं तो एक्सरे से भी ज्यादा तीक्ष्ण हूँ, मैं तो सत्य को समझ रहा हूँ। बुद्ध का मतलब है सत्य को समझना, सूर्य का मतलब है अंधकार जो अज्ञानता का है इसको दूर करना, और आपका भी राइट है, आपका भी हक है, आपका भी अधिकार है। असदो मां सदगम्यो, तमसो मां ज्योति गम्यो, मृत्यु मां अमृतम गम्यो, सत्य न्याय प्रेम शांति अहिंसा करुणा दया स्नेह के रास्ते पर चलता हुआ योगी वीरेंद्र योगी अपने जीवन को मानवता के कल्याण के लिए समर्पित किया है। आत्मवत् सर्वभूतेषु वसुधैव कुटुम्बकम्, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे सन्तु निरामया, यही मेरे जिंदगी का नारा है, यही मेरी जिंदगी का उद्देश्य है। तो आइए, सफलता की कुंजी अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारे जितने भी ज्ञानी हुए उनसे मैंने दोस्ती लगाया है। अंग्रेजी में कहावत है, बर्ड्स ऑफ द सेम फीदर फ्लॉक टुगेदर, इसीलिए एंड्रू कार्नेगी, डॉक्टर नेपोलियन हिल, अर्ल नाइंगल, राल्फ वाल्डो इमर्सन, जितने भी महान ज्ञानी व्यक्ति हुए उन्होंने सफलता का सिद्धांत दिया था, लक्ष्य निर्धारित करो, मेरा लक्ष्य है विश्व शांति, सर्वभूतेषु सुखिनः वसुधैव कुटुम्बकम् आत्मवत् सर्वभूतेषु। इसके लिए सहयोग चाहिए आपका, मास्टर माइंड अलायंस पार्टनर्स, सब लोग मिलकर ही ऐसा काम कर सकते हैं, और अद्भुत आत्मविश्वास के साथ खून पसीने बहाते हुए दुनिया को सही दिशा दिखाते हुए बुद्ध के सपनों का ये विश्व शांति से भरा हुआ
वैज्ञानिकों के सपनों का ये विश्व, किसी को कोई दुख नहीं हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वत्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। समगच्छध्वं समपतध्वं समो मानासि जानताम्, देवा भागमिता पूर्वे संजानन उपासते। ये सारे ज्ञान सभी कदम से कदम मिला के जब साथ चलेंगे, और लक्ष्य एक ही होगा, जिसको मोदी बार बार समझाया लेकिन लोग कहाँ समझे। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका कल्याण, सबका सहयोग, जीव जंतु पशु पक्षी और मनुष्य सबों का उत्थान। योगी वीरेंद्र योगी यही सपने देखता है, इसी सपनों के साथ अपनी सांस की एक एक गिनती करता है। और मैं आपको वचन देता हूँ, जब तक योगी वीरेंद्र योगी जिंदा है, यही सुरालापता रहेगा। मैं रहूं न रहूं ये विश्व रहे, मैं रहूं न रहूं ये जीव जंतु पशु पक्षी और मनुष्य सहयोग के साथ शांतिपूर्ण जीवन जीने की कला सीखे, ये मेरा सपना। क्या इसे हम अपना बना सकते हैं? आइए मेरे साथ, सब लोग सहयोग के साथ, सब लोग सर उठा के एक स्वर में बोले, ये विश्व हमारा परिवार है, ये सारे जीव जंतु हमारी तरह है, सबका कल्याण हो, सबका मन शांत हो, सबके जीवन में खुशियों का लहर हो, सब मुस्कुराता रहे, कोई क्रोध ही नहीं हो, कोई लोभ ही नहीं हो, कोई काम ही नहीं हो, कोई लालची नहीं हो, निस्वार्थ भाव से मानवता की कल्याण करने वाला ये विश्व हमारे सपनों का एक अद्भुत लक्ष्य है।